गिफ्ट का पैसा मायने नहीं रखता है, गिफ्ट देने वाले की जो इंटेंशंस होती है प्यारी सी जो एक भाई की होती है हमेशा, तो वो मैटर करती है। गाइस आई एम रेडी फॉर द डे, और बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, क्यों परेशान कर रहा हूँ आज, किस चीज के लिए भगवान को परेशान किया जा रहा है। लॉग में मुझे मत दिखाना, ये मर्डर से लाफिंग गैस उठ गया है सुबह से। नहीं नहीं आपको भी दिखाएंगे, इनसे भी सब्सक्राइबर चाहिए हमें। हां हां भाई सबसे चाहिए, बोलो चाहिए लाइक सब्सक्राइब। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ और अभी फ्रेश हुआ हूँ, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30, और आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, होप सो कि आप भी मेरी तरह अपनी बहनों को कुछ गिफ्ट में नहीं दे रहे होंगे। मजाक कर रहा हूँ, देखो अभी तो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरी कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, बट जब हो जाएगी तब मैं उस हिसाब से उस लेवल का गिफ्ट दूंगा, अच्छा गिफ्ट दूंगा मतलब, ठीक है। तो अभी मेरे पास जितने मेरे सेविंग्स हैं थोड़ी बहुत, तो उसी से थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा गिफ्ट दे देता हूँ अपनी बहनों को हर साल की तरह। तो इस साल में छोटा मोटा सा गिफ्ट दूंगा, बट देखो गिफ्ट का पैसा मायने नहीं रखता है, गिफ्ट देने वाले की जो इंटेंशंस होती है प्यारी सी जो एक भाई की होती है हमेशा, तो वो मैटर करती है। तो वो उस पर ध्यान देना चाहिए, पर मुझे लगता है मेरा उसमें भी आज मजाक बनने वाला है, बट कोई नहीं सह लेंगे, जब हम कमाने वाले जाएंगे तब ज़रूर देंगे एक बढ़िया सा गिफ्ट अपनी बहनों को। फिलहाल का ये सीन है, देखो अंकू जी तो यहाँ है, मतलब अंकू जी तो हमारे साथ ही है फिलहाल, बट जो बड़ी दी है अंजी दी वो रहती है कारगी चौक साइड, तो वहाँ जाना पड़ेगा अभी हमें। और मैं सोच रहा हूँ आज ब्लू में जाऊँ, बहुत टाइम से मोटो व्लॉग नहीं किया यार मैंने, तो मुझे मोटो व्लॉग करने का बहुत मन है आज। दिक्कत ये है कि बाहर देखो जो मौसम हो रखा है ना, वो एकदम मतलब प्यारा सा तो है ही पर बारिश वाला भी है यार, और बारिश में मैं बाइक तो निकाल सकता हूँ बाहर, पर मैं मोटो व्लॉग नहीं कर सकता क्योंकि गोप्रो वाटर प्रूफ नहीं है, मतलब मीडियम वाटर मेरे को लगाना ही पड़ेगा, पर ये उसके साथ वाटर प्रूफ नहीं रहता, तो ये एक दिक्कत है बस। और मुझे मोटो व्लॉग करने का बहुत मन है क्योंकि मुझे मतलब जब भी मैं जैसे बाइक में बाहर निकलता हूँ ना यहाँ पे, यहीं के जो लोकल लड़के रहते हैं ना वो बोलते हैं भाई तू मोटो व्लॉग नहीं करता यार बहुत टाइम हो गया, मतलब तेरे व्लॉग में देखा नहीं हमने मोटो व्लॉग। तो यार देखो करना तो मैं चाहता हूँ, बट सीन ऐसा होता है कभी बारिश होती होती कभी कुछ हो रहा होता, तो मैं गोप्रो बाहर नहीं निकाल सकता, अगर मैं गोप्रो निकालूंगा तो दिक्कत हो जाएगी मुझे ये ना, तो मैं फिर कभी मोटो व्लॉग नहीं कर पाऊंगा जब गोप्रो ख़राब हो जाएगा। बट कोई ना, मैं आज पूरा ट्राई करूंगा कि आज एक छोटा सा सही पर मोटो व्लॉग ज़रूर हो, तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि बारिश ना हो जब हम निकलें। और अभी का सीन ये है कि अभी मेरे को तैयार होना है, तो मैं पहनूंगा वही अपना ट्रेडिशनल कुर्ता जो कि मैंने लिया था गृह प्रवेश के लिए, तो वही पहनेंगे। फटाफट में नहाता हूँ और फिर कुर्ता पहनता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइज आई एम रेडी फॉर द डे, और बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, जरा मेरा मुखड़ा देखो बताओ कैसा है मेरा हुलिया, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मुझे और ट्रेडिशनल वेयर लेने चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये सिर्फ एक ही है, मैं मतलब ज़्यादा पहनता नहीं, तो मुझे बताना अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो नीचे कमेंट करके बता देना कि और ले लो, तो मैं अपनी बहन से बोल के और ले लूँगा। वैसे नहीं कुर्ता टाइट हो रहा है यहाँ से, क्योंकि जब मैंने लिया था इसे अप्रैल में तब ये मैंने अपनी फिटिंग का लिया था, बट उसके बाद अभी अगस्त चल रहा है उसके बाद मैंने वेट गेन कर लिया, तो अब ये ना टाइट हो रहा है यहाँ से, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो रहा है, बट कोई ना चला लेंगे, कौन सा रोज़ पहनना है आज ही आज का सीन है। बस फिलहाल का सीन यही है, रेडी हो गए हम लोग, अभी हम साथ यहाँ से नाश्ता करके जाएंगे दीदी के यहाँ, और वहीं सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन, क्योंकि पहला हक बड़ी बहन का होता है, तो उससे पहले राखी बंधवाएंगे फिर छोटी बहन। और ई रही हमारी प्यारी बहन जो रेडी हो चुकी है, आज रक्षाबंधन है बहन, हैप्पी रक्षाबंधन। आज क्या गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, ऐसे ही होता है, और जल्दी हरी हरी पत्तियां निकाल, तो मैं बाहर से हरी हरी पत्तियां तोड़ के लाता हूँ और इसको देता। और हमारी माँ तो सिर्फ मम्मी हमेशा भगवान को परेशान करती रहती है, क्यों परेशान कर रहा हूँ मैं आज, किस चीज के लिए भगवान को परेशान किया जा रहा है। अच्छा आप कुछ बोलना चाहोगे हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर। भाई बहन खूब राजी को से रखे, भाई बहन का त्योहार बना रहे हमेशा, तो चले चलो।
अबे यार ये हमेशा सरप्राइज खराब कर देता हमारा। हेलो डुगू, कैसे हो आप? हेलो, नहीं नहीं गरम है गरम है गरम है, रुको रुको रुको, गरम है वो, बहुत गरम है। चलो अभी अंदर चलो, पहले अंदर चलो। हाँ मोटर बाइक है। अरे कैसे हो आप मामा? गिजली 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 मामू, कैसे हो मामा? देखो मामू ये रही हमारी दीदी, किसी का वेट करते हैं दीना उसने। नमस्ते, हैप्पी राखी। हैप्पी राखी। जाने के बाद अपना हुलिया ठीक करना जरूरी था क्योंकि बहुत पसीना पसीना हो गया था, बहुत ट्रैफिक में हालत खराब हो गई थी। फाइनली गाइस वी आर एट दीदी के घर और यहाँ पे हमारी प्यारी सी फैमिली, और ये हमारी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर जिसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया आपको? क्या हो गया, क्या हो गया? क्या ही बोलेगा, और कुछ 6-7 महीने का तो है। छोटा भाई बन रहा है, वो बहुत बड़ा होता है। पता नहीं कैसे पता चलेगा। जब भी हम आते हैं ना हमेशा सरप्राइज खराब करता हूँ, मामा आ गए। उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं इनके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, बट मैं कुछ लेके आया हूँ इनके लिए, बट वो ऑलरेडी यहाँ पे है पहले से। उम्मीद नहीं थी मैं भी ये लेके आया हूँ यार। ये मोमेंट हो गया मेरा। देखो जब तक मैं बेरोजगार हूँ ना तब तक मैं यही दे सकता हूँ, जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना, जब मेरा पैसा आ जाएगा तब देखेंगे। तो इजी बॉय पापा तब हम यहां आएंगे। तब हम यहां आएंगे। और ये पर एक और चीज है मेरी सबसे छोटी सी, छोटी सी क्यों ले रखा है लाया था इससे मांगे लाया था मांगे लाया ले अन लैंड करने का आप सो हमेशा खूब तरक्की करो, लाइफ में बहुत कर पाओ और YouTube में तो हार्ड जाओ चाहिए बैटरी तो डाउन ही हो रही है सबसे।
तो हमने राखी सेलिब्रेट कर लिया है। मैं दीदी के यहाँ आया था, दोनों दीदी ने राखी बांध ली, काफ़ी अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। दिस विल बी इट फॉर द ब्लॉग। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलता हूँ मैं आप सभी को अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।